बार फिर बृहस्पतिवार को बम ब्लास्ट से दहल गया है, जहां बस स्टैंड पर जोरदार धमाका हुआ है। वहीं इस ब्लास्ट में 33 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से एक शख्स की उपचार के दौरान मौत हो गई है। मृत युवक का नाम मोहम्मद शारिक था, जो उत्तराखंड का रहने वाला था। मौत की जानकारी खुद जम्मू मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दी है। उधर हमले के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र को खाली करा लिया है और चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी गई है। वहीं सुरक्षा बलों का कहना है कि ग्रेनेड से इस हमले को अंजाम दिया गया है। फिलहाल ये ग्रेनेड किसने फेंका, धमाके के पीछे कौन है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पर जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर तलाश अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू ने घायलों की एक लिस्ट जारी की है, जिनमें बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत और भी प्रदेश के लोग भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये धमाका एक बस में हुआ है और जिस बस में ये ब्लास्ट हुआ है वह राज्य परिवहन सेवा की बस है और धमाके के समय बस जम्मू बस स्टैंड पर ही खड़ी थी। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी 4-5 गाड़ियों के शीशे भी टूट गए हैं। बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद जम्मू में अलर्ट के बाद भी ये बड़ी घटना हुई है। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी।